अक्सर हमारे साथ होता है ऐसा कि हम चैनल बना देते हैं, उस चैनल पर वीडियोस भी अपलोड करते हैं, कुछ टाइम तक करते हैं, फिर किसी भी कारण से हम उस चैनल को छोड़ देते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? और ऐसा अक्सर होता है, लोग चैनल छोड़ देते हैं, फिर उन्हें लगता है कि नहीं, हमें काम करना चाहिए, हम ग्रो हो सकते हैं, हमारी भी किस्मत यूट्यूब से बदल सकती है। यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक वीडियो ओपन करके रखा है अपने मोबाइल फोन में, जो कि एक साल पहले बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग में ये गलती मत करना। एक साल पहले मैंने बनाया था और कितने व्यूज गए हैं, 80,000 व्यूज गए हैं। और इस वीडियो में जो ये लड़की आपको दिख रही है हमारे बगल में, वही हमारे सामने खड़ी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक साल पहले सर आपने वीडियो बनाया था और अभी जो है फिर से वीडियो बना रहे हैं। तो एक साल पहले जो वीडियो बना था, उस समय इनका चैनल था हमारा पार्लर करके, और जब हमने इनका वीडियो बनाया था तो वो इसलिए बनाया था क्योंकि ये टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग सही तरीके से वीडियोस में नहीं डालती थी। और इनको हमने बताया कि कैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग सही तरीके से डालना है, और साथ ही साथ उस वीडियो के माध्यम से हमने काफी सारे नए क्रिएटर्स को भी बताया कि किस तरीके से आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग वीडियो में डालना है। साथ ही साथ इनके चैनल के बारे में भी हमने बात की। लेकिन आज से ठीक एक साल पहले इनका वीडियो बना और ये काम भी करती थी यूट्यूब पर, लेकिन एक साल के बाद कुछ लगभग 600-700 सब्सक्राइबर होने के बाद किसी कारण बस इन्होंने अपना चैनल छोड़ दिया, उस चैनल पे काम करना बंद कर दिया। अब दोस्तों आज क्या है कि आज ये हमारे स्टूडियो में आई हैं और आज हमने इनका एक और नया चैनल बनाया है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, क्या इनका जो पहले का चैनल था उससे इन्होंने पैसा कमाया, नहीं कमाया, मोनेटाइज हुआ, नहीं हुआ, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए अक्सर हमारे साथ होता है ऐसा कि हम चैनल बना देते हैं, उस चैनल पर वीडियोस भी अपलोड करते हैं, कुछ टाइम तक करते हैं, फिर किसी भी कारण से हम उस चैनल को छोड़ देते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको फिर से चैनल उसी चैनल पर काम करना चाहिए या आपको नया चैनल बना लेना चाहिए? सब कुछ आपको बताने वाले हैं, क्योंकि देखिए ऐसा हमारे साथ होता है कि हमने एक चैनल बनाया, हमने कुछ दिन उस पर काम किया, फिर हमने उसको छोड़ दिया। तो क्या छोड़े हुए चैनल पर वापस से फिर से काम करना सही है या फिर नया चैनल बनाना जो है सो सही है? दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पूजा जी कि जब आप वो चैनल पर काम कर रही थी, ठीक है, तो आपने जो भी वीडियोज अपलोड किए थे उन वीडियोज में से सबसे ज़्यादा व्यूज कितने गए थे एक वीडियोस पे? सर अभी तो ध्यान नहीं है क्योंकि काफी टाइम हो गया मेरा वीडियो बनाया हुआ, तो याद तो नहीं है, लेकिन आपके साथ वीडियो बनाने के बाद मेरा हर वीडियोस में व्यूज अच्छा खासा गया था, मतलब सब्सक्राइबर भी मेरा अच्छा खासा था। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि जब वो चैनल पर काम कर रही थी, आज भी हमारा पार्लर करके चैनल है, कुछ कारण के वजह से, बाय मिस्टेक कही या कुछ कारण के वजह से, वो चैनल पे इन्होंने पहले वीडियोस अपलोड करना बंद कर दिया था। फिर कुछ दिन बाद उस चैनल से वीडियोज डिलीट हो गई, आप कह सकते हैं गलती कहिए या जो भी कहिए, उससे वीडियोज डिलीट हो गई। अब डिलीट हुई तो फिर इन्होंने चैनल को छोड़ दिया था, ये अपने काम में लग गई थी। फिर इन्हें एक साल बाद ऐसा लगा कि मुझे फिर से जो है अपने चैनल पर काम करना चाहिए, और ऐसा अक्सर होता है, लोग चैनल छोड़ देते हैं, फिर उन्हें लगता है कि नहीं, हमें काम करना चाहिए, हम ग्रो हो सकते हैं, हमारी भी किस्मत यूट्यूब से बदल सकती है। तो फिर इन्होंने काम करना शुरू किया, और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि उस चैनल पे जो है काम तो कर रही थी, लेकिन इनको लग रहा था कि इस चैनल पर काम करना सही है या नया चैनल बनाए, इसीलिए ये हमारे स्टूडियो, ये हमारे ऑफिस यहाँ पे आई, झारखंड से बिहार आई, और यहाँ पे हमने इनको बताया कि उस चैनल पर काम करना सही है या नहीं। हमने उस चैनल को जब चेक किया तो हमने देखा कि वो चैनल पूरी तरीके से फ्रीज हो गया है। अब दोस्तों आप अगर काम करना छोड़ देते हैं काफ़ी टाइम से, अगर चैनल पे एक्टिव नहीं रहते हैं, तो चैनल का आपका रियल टाइम जीरो हो जाता है, मतलब एक तरीके समझिए तो वो चैनल पूरी तरीके से आपका डेड हो जाता है। और हमने जो है अभी इनका नया चैनल बनाया है पूजा पीएच लेवल करके। अब ये जो नया चैनल है इस पे ये नए तरीके से काम करना चाहती है। अब नया तरीका क्या है दोस्तों, हम हर कैटेगरी में अपने अपने वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जो यूनिक वीडियोस होती हैं वही
वायरल होने के चांस होते हैं। जैसे कि अब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग घर में शैम्पू यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन इनके पास अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक 10-12 साल से कॉस्मेटिक्स का काम कर रही हैं और 10-12 सालों के एक्सपीरियंस के लेवल पे इनको कुछ ऐसे मिथ पता है, इनको कुछ ऐसे जो है सो फैक्ट्स पता है जो कि हम एक्सपायर होने के बाद भी अगर कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है तो उसको भी हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के, वो नॉलेज भी इनको काफ़ी अच्छे तरीके से। तो इन्होंने मुझे बताया कि सर मैं जो है काफ़ी लोगों को देखती हूँ कि कुछ अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसको फेंक देते हैं, लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो नॉलेज भी मेरे पास काफ़ी अच्छे तरीके से। इन्होंने अपना जो नया चैनल बनाया है पूजा पेज लेवल, इस पे आपको इसी तरह की वीडियो दोस्तों देखने को मिलेंगी। और अभी जो है इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इनके चैनल को चेकआउट करेंगे तो आपको काफ़ी सारी जानकारी कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड और काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे जो है काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। और दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत लोग चैनल को छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर से उस पर काम करना चाहते हैं। तो उस चैनल पर काम करना चाहिए या नहीं चाहिए या आप हमसे या तो संपर्क करके पूछ सकते हैं, दिखा सकते हैं, चेक करा सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि नया चैनल बना लेना चाहिए या फिर उसी चैनल पर काम करना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का यही माध्यम था। और ये कहना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग अपना चैनल बनाते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर वो करना चाहते हैं, वैसे ही पूजा जी हैं। तो इनको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि ये और मोटिवेशन के साथ अच्छी वीडियोस बना सके। बाकी पूजा जी आप कुछ कहना चाहती हैं तो ऑडियंस से कह सकती हैं। सर मेरा ये कहना है कि आज के डेट में जितना तरह का हेयर और स्किन का प्रॉब्लम आ गया है मार्केट में, उससे भी ज्यादा ये प्रॉब्लम आ गया कि हम अपने स्किन एंड हेयर के लिए कौन सा प्रोडक्ट को परचेस करें, सही बात, या फिर कौन सा इस्तेमाल करें कि उससे हमको बेनिफिट हो, मेरे पैसे भी ज्यादा बर्बाद ना हो और हमें रिजल्ट भी मिले। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट की बातें। अब यहाँ पे मेरे पास जो यूनिक चीजें है वो ये है कि हर एक फीमेल को लॉन्ग हेयर बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, और चाहे अगर मेल भी पर्सन हो तो उन्हें भी हेयर अच्छे ही पसंद आते हैं। और अभी के डेट में जितना ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है या हेयर से रिलेटेड समस्या आ रही है लोगों के पास, तो उसके माध्यम से हम ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि मेरे पास आपको वीडियो में देखने को मिलेगी कि आप बिना किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किए, बिना किसी ऑयल का इस्तेमाल किए भी आप अपने हेयर को ग्रो करवा सकते हैं। सही बात। और ये 110% आपको रिजल्ट देगा क्योंकि ये हम खुद के ऊपर अप्लाई करते हैं और साथ ही हम इसका वीडियो बना करके भी अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे कि हम कौन सा ट्रिक ऐसा अपनाते हैं जिससे कि हेयर आपके लंबे हो, ठीक है, बिना किसी शैम्पू, बिना किसी प्रोडक्ट के। तो इस तरह का मेरे पास बहुत सारा ट्रिक है जो स्किन एंड हेयर से रिलेटेड है। और ये वीडियो आपको इन्हीं के चैनल पे मिलेगा जिसका नाम है पूजा पीएच लेवल, आप सब जरूर चेकआउट कीजिएगा। और दोस्तों ये भी वीडियोस अगर पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।